फ्रेंड्स, निधि खाना खजाने में आपका स्वागत है। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बाजार जैसे नूडल्स। 10 मिनट में अपने घर पे आप बना सकती हैं बाजार जैसे नूडल्स। चलिए आज हम आपको ये नूडल्स बनाना सिखाते हैं। मेरी वीडियो को फ्रेंड्स स्टेप टू स्टेप देखिए। बहुत इजी रेसिपी से मैं आपको ये नूडल्स बनाना सिखा रही हूँ। यदि मेरे नूडल्स आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत दिख सके। देखिए फ्रेंड्स, नूडल्स बनाना स्टेप बाय स्टेप सीखिए। ये मैंने पानी लिया है, पानी को अपन गैस पे रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पानी को गैस पे रख दिया है और ये मैंने 250 ग्राम नूडल्स लिए हैं। इसको अपन इस पानी में ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इस पानी में इसको डाल दें। इसमें थोड़ा सा अपन ऑयल डालेंगे, एक या दो चम्मच आप इसमें ऑयल डालिएगा, जिससे अपना नूडल्स ये अंदर नहीं लगे। ये देखिए फ्रेंड, दो चम्मच अपन इसमें क्या डालेंगे, ऑयल डालेंगे। ये अब इसको पूरा इस तरीके से अपन दबा दीजिए और 5 से 8 मिनट तक के लिए इसे ढक के रखिएगा। और ये ढकने के बाद फिर देखते हैं अपन इसको नूडल्स कैसे इतनी जल्दी पक जाते हैं अपने। देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से अपन उठाएंगे और देखिए ये अपनी चाउमीन किस तरीके से अपन की फूल गई है। अब इसको इस तरीके से देखेंगे, बिल्कुल पक गई है अपनी ये चाउमीन और बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी है। ये देखिए फ्रेंड, अब इसको चाउमीन को चलनी में इस तरीके से एक बर्तन के अंदर रख लेंगे और इसको छानेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से अपन पकड़कर और इसको इस तरीके से अपन छानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से सारे नूडल्स इस तरीके से इस पर निकाल लिए हैं। ये देखिए एक एक नूडल्स अपना खिल गया है। अब क्या करना है, इसको साफ पानी में एक बार और धोना है। साफ पानी आपको लेना है और फिर दोबारा से इस सारे नूडल्स को इस साफ पानी में डाल देना है और इस तरीके से इसको ऐसे चलाना है। ये देखिए, इसको फिर इस तरीके से आपको चलाना है और फिर एक बार चलनी में और अपन को इसको छान लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने साफ पानी में भी धो लिया। आप हम लोगों को इसी तरीके से नूडल्स को साफ पानी में धोना है। देखिए, जब मैंने इसमें नूडल्स बॉईल किए थे तो मैंने ऑयल डाला था, देखिए बिल्कुल भी अपने नूडल्स चुपके नहीं हैं, ठीक है ना। हम लोगों को इसी तरीके से नूडल्स बनाना है। फिर उसको ये मैंने नूडल्स को थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है, इसका पानी सारा चली में से बाहर आ जाएगा। जब तक हम देखते हैं कि मैंने इसमें नूडल्स में डालने के लिए क्या क्या काट के रखा है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने एक मैंने गाजर ली, थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी काटा है, एक मैंने शिमला मिर्च काटी है। इस तरीके से लंबी लंबी काटनी है, आप गोल गोल भी काट सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और मैंने एक प्याज काटी है, लहसुन अदरक का इसमें मैंने फ्रेंड पेस्ट बनाया है और मैंने ये काली मिर्च को भून लिया था। कम से कम 10-12 काली मिर्च मैंने भून ली थी और मैंने इसमें काली मिर्च भी इसको ऐड कर ली है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कढ़ाई रख दी है और गैस को मैंने जला दिया है। गैस को बिल्कुल तेज़ रखना है इस टाइम पर अपन को। 5 चम्मच इसमें ऑयल डालिए। आप सरसों का तेल से भी बना सकते हैं और आप रिफाइंड से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अपन नूडल्स को किस तरीके से बना रहे हैं। ये 5 चम्मच
अपन ने इसमें रिफाइंड डाला है, 3, 4 और ये 5 चम्मच, ठीक है। ऑयल को अच्छा गर्म हो जाने देना है आपको, ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी प्याज नहीं डालनी है अपन। फ्रेंड्स, कढ़ाई को बिल्कुल तेज गर्म करना है अपन को, और जैसे ही कढ़ाई तेज गर्म हो जाएगी फिर इसमें अपन क्या डालेंगे, सबसे पहले मैंने ये प्याज काटी थी, इसमें प्याज डाल के इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है अपन को, प्याज को बिल्कुल हल्का सा आपको भूनना है फ्रेंड्स। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, प्याज को बिल्कुल भी उनको ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा इसको अपन को भूनना है इस तरीके से। अब मैंने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था, अपन को इसको भी इसमें ऐड कर देना है, और इसको भी हल्का सा अपन को क्या करना है, भूनना है फ्रेंड्स। इस तरीके से अपन को भूनना है। ये देखिए, इस तरीके से भूनने के बाद अपन को ये मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी काटा था, इसको भी अपन को इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना है, और इसको भी अपन को अच्छी तरीके से चलाना है, जिससे अपना ये कोई भी सामान नीचे नहीं लगे, बिल्कुल भी बराबर चलाते रहना है, और गैस को बिल्कुल ज़्यादा स्लो नहीं करना है, ना ज़्यादा तेज़ करना है, मीडियम रखना है, जिससे अपना ये कोई भी पत्ता वो भी प्याज लहसुन गाजर शिमला मिर्च बिल्कुल ना नीचे लगे और ना रेडपन इसमें आए, ठीक है। और ये मैंने एक गाजर डाली थी, वो भी इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैंने गाजर भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब अपन को इस तरीके से अपन इसको चलाना। ये देखिए, थोड़ी सी जो मैंने एक शिमला मिर्च काटी थी, अपन को इसको भी इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको नमक डालना है, नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है आपको। मैंने 1 चम्मच करीब इसमें नमक ऐड किया है फ्रेंड्स, आपको स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। अब इसमें अपन ने 1 चम्मच में इसमें टमाटर केचप डालूंगी, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा भी उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको डालने के बाद अपन को इस तरीके से अपन को एग्स मिलाना है अच्छी तरीके से। देखिए, इसको इस तरीके से अपन को मिलाना है। मिलाने के बाद जो मैंने ये चाउमीन बॉईल करी थी ना, इसको भी अपन इसमें क्या कर देंगे, मिला देंगे। आपको यदि फ्रेंड्स चाउमीन उबालते समय इसमें नमक डालना है तो आप उसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था फ्रेंड्स, आप चाहो तो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अपन चाउमीन डालेंगे इसके अंदर, गैस को स्लो रखिएगा, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करिएगा। ये देखिए, चाउमीन जब उबाले फ्रेंड्स तो ऑयल ज़रूर डालें, जिससे अपनी एक एक चाउमीन खिले की आएगी। अब अपन इसको इस तरीके से अपन चला देंगे। आप 2 चमचे के सहायता से ही चला पाएंगे फ्रेंड्स, 1 से नहीं चला पाएंगे। इस तरीके से अपन इसको चला, गैस को स्लो रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 3 चम्मच में इसमें वाइट विनेगर डालूंगी। ये देखिए, 3 चम्मच इसमें अपन को ये वाइट विनेगर मैंने ऐड किया है इसमें, और 1 चम्मच में इसमें सोया सॉस डालूंगी। अब
अपन इसको ऊपर नीचे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से अपन इसको चाउमीन को ऊपर नीचे करेंगे। और इसमें एक चम्मच में चिली सॉस डालूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए एक चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस डाली है। थोड़ी सी जो मैंने काली मिर्च पीसी थी भून कर, थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर दूंगी। यदि आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा इसमें नमक भी मिला सकते हो, क्योंकि तो आप बॉईल में भी नमक डाल सकते हो। जब चाउमीन बॉईल करें तो आप तब भी नमक डाल सकते हैं, और जब मैंने इसमें सारे वेजिटेबल्स डाले थे तब भी मैंने नमक डाला था। ठीक है, नमक को अपने स्वाद अनुसार आप लोगों को डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी चाउमीन बनकर तैयार हो गई। ये देखिए बाजार जैसा स्वाद आ रहा है इसके अंदर बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, चाउमीन बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और एक एक चाउमीन अपनी खिली है। ये देखिए अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स,